अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय रेसिपी। चलें जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज व्लॉग तो फुल नहीं है, लेकिन आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आटे वाले बिस्किट बना रही हूँ। ऐसे ही बैठी हुई थी, दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो ना आज कुछ थोड़ा सा ना बनाती हूँ। तो मौसम अच्छा हुआ है तो मैंने कहा चलो आटे के बिस्किट बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया आटा, 1 कप मैंने आटा लिया था, और उसके बीच में ना 1 चुटकी मैंने डाला था जो सोडा होता है, वैसे ना इसके बीच में बेकिंग पाउडर डलता है, लेकिन मेरा बेकिंग पाउडर जो था ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने डाल दिया सोडा। और 2 खाने के चम्मच जो होते हैं ना वो मैंने डाले इसके बीच में घी के, घी के डाल चम्मच डालने के बाद इसको ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी हाथों से ना। आपने ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। और उससे पहले जो है ना मैंने डाली थी चीनी, और चीनी वाला डब्बा इतना टाइट बंद हुआ हुआ था, इतना टाइट बंद हुआ था, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अपने टेस्ट के मुताबिक ना आपने इसके बीच में चीनी ऐड कर लेनी है। बिस्किट मेरे बहुत अच्छे बने थे, लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि चीनी जो थी ना मुझे ना पीसी भी डालनी चाहिए थी, लेकिन खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है ना एहतियात करूँगी सूजी के जब बनाऊँगी। तो फिर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके बीच में जो था शुगर ऐड कर लिया था। आप लोग भी अपने टेस्ट के मुताबिक जो शुगर ऐड कर लेना। वैसे इसके बीच में ना इलायची पाउडर भी जाता है, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड इतने शौक से इलायची नहीं पसंद करते, तो मैंने इसके बीच में ना इलायची जो थी नहीं डाली थी, स्किप कर दी थी। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप छोड़ दें। उसके बाद ना अच्छे तरीके से ना आटे को हमने मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसके बीच में चीनी है और घी है। जब चीनी और घी हो ना तो दोनों को ना अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और ना नीम गर्म पानी, मतलब इतना ज़्यादा गर्म भी ना हो, इतना ठंडा भी ना हो, नीम कोसा पानी लेके ना आपने ना इस डो को ना गूंदना शुरू कर देना। ये बड़ी अच्छी नरम और मुलायम सी ना डो बन जाती है। इसी तरह इसे ना सूजी के बिस्किट भी बनते हैं, वो भी मैं 1-2 दिन तक आपके साथ शेयर करूँगी। अब दिल करता है कि मैं आपके साथ अपनी रेसिपी ये शेयर करूँ ना, तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है, ज़्यादा ज़्यादा करके नहीं डालना, क्योंकि जो डो है ना वो हमारी पतली नहीं होनी चाहिए। अगर डो हमारी पतली हो जाएगी ना तो बिस्किट हमारे परफेक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। जिस तरह हम आटे का गूँधते हैं, तो आटा हम लोग इतना ना नरम गूँधते हैं ना इतना सख्त गूँधते हैं, इसी तरह ही हमने ना इसकी भी डो जो है ना इतनी सख्त गूँधनी है और ना इतनी नरम गूँधनी है। तो इस तरह ही ना मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी डो को, गूँद लूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग को आटे के बिस्किट मेरे कैसे लगे। तो आप लोग मेरी रेसिपी आगे देखें। फ्रेंड्स मैंने ना 5 मिनट के लिए डो को ना स्ट्रे करने के लिए रख दिया था। 5 मिनट के बाद ना जिस तरह हम पेड़ा बना के तो रोटी नहीं बेलते, इसी तरह ही हमने पेड़ा बना के रोटी बेल ली थी। तो ये ना बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, कोई इक्वल, कोई किस तरह, कोई सर्कल, इस तरह की ना शेप बन गई थी। तो मैंने ना फिर एक ले लिया ढक्कन, जैम की बोतल का एक ढक्कन ले लिया था, और ढक्कन से ना मैंने इसको शेप दे दी थी। तो शेप देने के बाद ना फोक की हेल्प से ना मैंने इसके ऊपर छोटा सा डिज़ाइन बना लिया था। डिज़ाइन बनाने के बाद आपने ना ऑयल को गर्म कर लेना, और ऑयल को गर्म करने के बाद ना मैंने इसके बीच में ना फ्राई कर लिए थे। वैसे ना कि बेक होते हैं, तो मैंने बेक वाले नहीं बनाए थे, मैंने फ्राई वाले बनाए थे। तो हमारे झटपट से बनने वाले मिनटों सेकंड में, 5 मिनट में बनने वाले आटे के बिस्किट रेडी हो गए थे। तो ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, तो बड़े नरम से बड़े मज़े के ना हमारे बिस्किट बन गए थे। तो अगर आप लोग नज़दीक होते मेरे YouTube की फैमिली, तो मैं आप लोग को टेस्ट ज़रूर कराती, तो बहुत मज़े के बने थे। तो अभी ये रही इनकी फ़ाइनल लुक। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताना है कि आपको आज मेरी छोटी सी क्विक रेसिपी कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जो है
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अच्छे से कमेंट मुझे ज़रूर करना। और जो है ना, ये मैंने इसलिए बना लिए थे, मैंने कहा रात में दिल करता है चलो कुछ स्नैक्स होने चाहिए, तो स्नैक्स के तौर पे ना मैंने ये बना लिए थे। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपके साथ पिज़्ज़ा बनाने की भी रेसिपी शेयर करूँगी। और मैंने ना जब ये ठंडे हो गए ना, तकरीबन 10 मिनट लग गया था इसको ठंडा होने में ना, तो ठंडे होने के बाद ना तो मैंने जो है वो इसको एक कंटेनर में बंद करके रख रहे थे, एयर टाइट कंटेनर जो था ना, तो मैंने कहा इसके बीच में ना रख लूँगी तो जब बच्चों का दिल करेगा तो उस टाइम खा लेंगे। तो इसको मैंने कंटेनर में जब रख ली, और रखने के बाद ना मैं इसको अपने बेडरूम में रखी थी, तो मैंने कहा वहीं पे रख देती हूँ साइड टेबल पे, तो जब बच्चों का दिल करेगा वो खा लेंगे। कार्टून्स वगैरह जब देखते हैं ना तो बच्चे, तो उनको होता है कि पूरा प्रोटोकॉल होना चाहिए, पूरे प्रोटोकॉल से ना वो टीवी भी देखते हैं, खाना पीना उनका ना पूरे प्रोटोकॉल से होता है। तो चलें जी, मिलती हूँ आपसे किसी और रेसिपी में, किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना, जैसे मैं आप लोग को रखती हूँ। तो आप लोग भी मेरे व्लॉग को इंजॉय करें और अच्छे से कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।